क्या ब्लॉग बना रही है, कपड़े निकाल ले बैठने से। पर बेटा निकालने मुझे कुछ कपड़े बच्चों के लिए लेने देने के लिए, मतलब मम्मी के कोई फंक्शन है तो मम्मी वहां जाएंगी, तो मेरे पास क्या बहुत सारे कपड़े रखे हैं बच्चों के नए, तो मम्मी ने बोला कि एक ड्रेस निकाल दो उसमें से, तो मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं। तो अभी देखती हूँ साइज अवेलेबल है या नहीं है, तो इसमें से ढूंढना पड़ेगा मुझे। और गर्मी बहुत लग रही है, इसी नहीं चल रही है, तो देख लेते हैं कितना साइज चाहिए मम्मी को बतानी। ये स्कर्ट मैं दिल्ली से लाई थी, पर ये देखूंगी ट्राई करूंगी आ जाएगा। तो पैंट तो मिल गई, अब एक शर्ट और ढूंढना है। ये मेरी ड्रेस है लेकिन ना आती नहीं है, मोटी होगी मैं। हाँ आ रही हूँ। पेंट तो मिल गई, ये वाली पेंट आ जाएगी एकदम परफेक्ट। तो कपड़े तो ढूंढ लिए मैंने लेकिन मिले नहीं मेरे को, क्योंकि जो साइज हमें चाहिए था वो साइज नहीं था, तो देखते हैं लाने पड़ेंगे या कुछ और। बाकी बेस वेस जो थे वो मेरे पास रखे तो मैंने निकाल दिए बेस, मम्मी को चार बेस चाहिए थे, चार मैंने निकाल दिए, लेकिन पैंट शर्ट मेरे पास नहीं मिले, साइज अवेलेबल नहीं था। तो अभी और मैं करूंगी पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मुंबई। अर्शु आपको पता है हम लोग घूमने जा रहे हैं? हाँ। मुंबई चलोगे? हाँ। है? हाँ। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, मुझे भी आता है। हाँ तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। मैंने 10 तारीख बाहर जाने का बोला था लेकिन परिवार बोले कि नहीं 10 तारीख को ही आना है। 10 तारीख का सपना का बेबी शावर था तो मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी, उसने मुझे बहुत पहले इनवाइट कर दिया, लेकिन मैं और मैंने तैयारी भी कर ली थी पता है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि परिवार बोल रहे हैं कि नहीं 10 तारीख से पहले आओ। तो चलो ठीक है जैसा भी है, तो हम लोग जाएंगे। लेकिन यार तीन बच्चों के मतलब हम तीनों के कपड़े हैं तो ठीक है, इतना तो चाहिए ना। तो हम तीनों जा रहे हैं मुंबई, अर्शु मैं और परी, हम तीन लोग जा रहे हैं। तो अर्शु की ड्रेसेस भी रख लेती हूँ मैं, लेकिन ये सच में बड़ा लग रहा है मुझे, लेकिन इससे छोटा हमारे पास है नहीं। कब देखो टिकट? 10 कल 10 तारीख। आई शाम को सच में ये कपड़ा बड़े ऑर्डर किए हैं, तो कपड़ा आई नहीं, ये मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी हाँ बाबू जरा ये शर्ट तो कलर करो, मुझे शर्ट देना क्या वहाँ पे? आज तो मैं कंफर्ट जा जो हम बच्चे क्या अकेले जाएंगे? मैं बैठाऊंगी आपको वहाँ एयरपोर्ट पे जाके। एयरपोर्ट नहीं जाएगा ये, तो मेरे को लेके चल चला, मैं भी पैक कर लूँ क्या कपड़े? क्यों वहाँ पर नए कपड़े स्टॉक मैं
मेरे वन पीस ढूंढ रही हूँ मैं, जो कि कहाँ पता नहीं। अभी सलमारी को तो हमारी थोड़ी बहुत पैकिंग हो चुकी है और मैंने इतनी बड़ी अटैची नहीं लेके जाऊंगी, मुझे बैग लाना पड़ेगा छोटा, क्योंकि ना ये इतने से कपड़े हैं और वो वाला पूरा अपार्टमेंट खाली है अभी, तो मैं बैग ही ले आऊंगी, क्यों फालतू में इतना बड़ा बैग लेके जाऊँ, है ना। तो ये हो गई हमारी पैकिंग डन। अब मैं क्या करती हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद देखते हैं शॉप पे जाती हूँ, वहां से भी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है मुझे, जैसे शूज लेने हैं मेरे लिए, शूज नहीं है मेरे पास, तो शूज लेके आऊंगी और बाकी कोई देखते हैं कोई चीज पसंद आती है तो ले आएंगे, नहीं तो फिर कैंसिल। हम लोग 10 तारीख को जाने वाले हैं, 10 तारीख का टिकट बनवा रहे हैं परी के पापा, तो हम लोग 10 को जाएंगे यहाँ से, मैं और दोनों बच्चे हम लोग जाएंगे, बाकी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आपको एक्टिंग करनी है, आप हीरो इस मूवी के। छोटी काट छोटी चम्मचू खास कर। तो हम लोग करने वाले एक वीडियो शूट, एक वीडियो आया हुआ है वो हम लोगों को शूट करना है, तो मिंटू भाई सर मम्मी चले गए बाहर, अब हम बच्चे पार्टी है सारी, मतलब हम तो नहीं, मैं तो क्या बताऊं, ये सब बच्चे पार्टी है मेरे साथ, तो हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं, देखते हैं वो पास होता है या फेल, ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी इंग्लिश बोलनी है जो कि मेरे से बोली नहीं जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ, अब चलते हैं वीडियो शूट करने के लिए, मेरे को बाल बनाने, पहले बाल बना के आती हूँ। विद्याधर नगर शॉपिंग करने के लिए, मिंटू भाई सब कुछ स्लीपर्स वगैरह लेनी थी, तो हम लोग आए अभी, चार जने, तीन ये नहीं पांच आए, हर्षु भी हमारे साथ, हर्षु को भूल गए हम, उसी से लिए थे ना अपन ने पहले भी, तो फुटवेयर्स वगैरह लेने हैं इनको, तो वही देखने के लिए आए हम लोग विद्याधर नगर। ये ना ना बड़ी है ना छोटी है, तो इसका साइज हमारे पास है ही नहीं। चप्पल नहीं है मेरे पास। अरे अभी तो लाई थी, मिल जाएगी, दिखाओ। तो हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं, तो चप्पल लाई थी मम्मी के लिए। हाँ पर उस साइड किसी के मम्मी मुझे नहीं पीने, मिंटू क्यों पीने, मम्मी मिंटू भाई सा देख ले यार साइज, मिंटू भाई सा कंफर्टेबल है ये के बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो ने जंगपन को दुख है ये के ए सिर्फ खातरी बनेड़ी हुए बुजुर्ग जो लोग हो ना माता ही बनेड़ी हुए बोले पग दुख है एडी एडिया एक तो टापर को टप्पर बीच में पकाए करे तो दूध भाई खाते होते वे पांचाल यार दीन मत ये तो तेरी मम्मा की है ये तो मेरी है पर मेरी का मुमल भाई से गया मामा चप्पल चप्पलों की दुकान लाए देख लो मेरी है जब भी हम मार्केट में निकलते हैं ना पूरी दुकान खरीद के चप्पल ही है चप्पल ही चप्पल मेरी है और उनकी है
ओहो मम्मी ये सब यहीं पे है। हाँ जब मैं वैसे थी हाँ पक्स देवन जाने रहे अर्शु पैसे कहाँ से आए कोटली में थे कौन से कोटली में ब्लैक कलर की तो कोटली किसने दी तेरे को दाचक रूमा पड़ी थी दी किसने थी रखी थी मम्मी ले ली तो कोटली कहाँ से आई तेरे पास रखी थी आया दाचक रूम में तो पैसे कौन डाला था उसमें कोटली में नानी ने दिए थे नानी ने दिए थे अब कोटली का है कोटली हाँ रूम में पड़ी है रूम में पड़ी है और ये इतनी सारी चीजें लाया कोटली में से हाँ अब कोटली में पैसे पूरे खत्म हो गए पूरे उड़ाया पूरे पूरे दुकान वाले को दे दिया दुकान वाले को पूरे देखो एक कोटली नहीं होता का ना कोटली होता है कोटली अर्शु क्या होता है देखो 1 2 3 सुन मेरी बात बता क्या होता है पोतली पोतली कोटली वहाँ छोड़ छोड़ो जीजा है वो छोड़ नहीं होता कौन सी छोटी लाए पहले हम चिप्स खाऊंगा नहीं पहले आइसक्रीम खाओ पिघल जाएगा पहले आइसक्रीम खाएंगे बाद में चिप्स खाएंगे बाद में वगैरह वगैरह नहीं नहीं लोन पे नहीं कैश हमने तुझे बुलाया भी नहीं था तू जबरदस्ती आई है हमें डिस्टर्ब करने के लिए आप ना ऐसे चट चट हाथ कैसे चलाने लग गए हो आपसे बड़े उनको भी मार रहे हो आप ये तो बैड मैनर्स होता है ना अब वापस मारो चट आपके एक गाल पे तो सॉरी बोलो कान पकड़ के उधर मुंह करके बोलो सॉरी सोनू मम्मी अब यार से पिल्ला चलो चलो जल्दी बोलो अरे क्या खुला सोनी होता सॉरी सोनू कान पकड़ के बोलो अब नहीं मारूंगी ये रख दे अब नहीं मारूंगा सोनू अब जिसको भी अर्शु मारे ना मुझे कंप्लेन कर देना आके अर्शु को मैं बंद कर दूंगी चोटी चिपका चिपका के बाल दे डाल के कल बार का ही है टेंशन करते हैं।